महिंद्रा थार देखिए, महिंद्रा थार 2WD 4x2 का रिव्यू, अब अधिक ग्राहक होंगे आकर्षित। महिंद्रा थार 2WD दिल्ली NCR में पेट्रोल इंजन को प्राथमिकता दी गई और यह काफ़ी स्मूथ भी है और कम वजन के कारण RWD को चलाना भी काफ़ी मज़ेदार बनता है। इसमें डीजल इंजन जैसा ही टार्क महसूस होता है। महिंद्रा थार 2WD रिव्यू। महिंद्रा थार ने अपने नए अवतार में बाजार में प्रवेश कर लिया है। अभी तक यह एक दमदार SUV के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब यह एक शानदार लाइफस्टाइल SUV के रूप में भी जानी जाएगी। इससे इसके ग्राहकों का दायरा और बढ़ेगा। नई महिंद्रा थार अब और अधिक कंफर्ट फीचर्स के साथ आती है, जो इसे हर रोज़ शहरी क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए उपयोगी बनाती है। 2WD थार अपनी और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगी, जबकि ऑफ रोड की पसंद करने वाले लोग अभी भी 4x4 की और ही आकर्षित होंगे। थार खरीदने वाला हर ग्राहक इसकी 4x4 क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करता है और ऐसे ग्राहकों के लिए ही इसे 2WD वर्जन में बाजार में लाया गया है। थार को आसान और हल्का बनाते हैं, जिससे उन लोगों को एक लाइफस्टाइल SUV मिलेगी जो इसका इस्तेमाल हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं करने वाले। अब नई थार दो रंगों में उपलब्ध होगी, यह अब ब्राउज कलर में उपलब्ध होगी। इसमें अब 4x4 बेजिंग नहीं मिलेगी, इसके अलावा और अधिक कुछ भी नहीं नया मिलेगा और इसमें ज़्यादा बदलाव आवश्यक नहीं है। इंटीरियर में 4x4 गियर लीवर की जगह बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और अब यहां स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, जबकि इसमें अब स्टार्ट स्टॉप फंक्शंस भी मिलता है। थार में अब RWD के साथ छोटा 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जबकि पेट्रोल 2.0 लीटर इंजन को बरकरार रखा गया है। क्रमशः 118 HP और 300 NM और 150 HP और 300 NM का आउटपुट देते हैं। इसमें दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। RWD के साथ इसका वजन कम होने के साथ ज़्यादा माइलेज भी देगा, जबकि इसमें वही मजबूती बरकरार रहेगी। दिल्ली NCR में पेट्रोल इंजन को प्राथमिकता दी जाएगी और यह काफ़ी स्मूथ भी है और कम वजन के कारण RWD को चलाना भी काफ़ी मज़ेदार बनता है। इसमें डीजल इंजन जैसा ही टार्क महसूस होगा। रिफाइनमेंट बेहतर होने के साथ साथ RWD के कारण यह ड्राइव करने में काफ़ी हल्की है और हार्ड ड्राइव करने पर ग्रिप में कोई समस्या भी नहीं मिलती है। यह 4x4 थार की तुलना में अधिक फ्यूल एफिशिएंट है। इन सभी कारणों से यह एक पारंपरिक कॉम्पैक्ट SUV बनती है, जो इसका अधिकतर सड़क पर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एकदम बढ़िया विकल्प है। जल्द ही 2WD थार हमें सड़क पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।